Welcome to online classes. So as you all know, we are discussing chapter 2 of geography. तो इसमें हमने बहुत सारी चीजें कर ली थी geography में. आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे rock cycle. क्या देखेंगे आज हम? आज हम rock cycle के बारे में देखेंगे. चलिए देख लेते हैं rock cycle किस तरीके से होते हैं. The transformation of rocks from one form into another in a cyclic manner is called the rock cycle. It's called the rock cycle. यहां पे क्या दिया हुआ है? The transformation of rocks. क्या होता है? Transformation हो जाता है rocks का. One form से another form में cyclic manner में, उसे हम rock cycle कहते हैं. जैसे हमने देखा ना कि igneous से sedimentary बना, sedimentary और igneous से metamorphic rock बन गया, तो क्या हो गया? एक rock cycle हो गया. क्योंकि वन फॉर्म इनटू अनदर इन अ साइक्लिंग मैनर इज कॉल्ड द रॉक साइकिल. इसकी डेफिनेशन भी होगी, आपसे पूछा जा सकता है, सो यू शुड नो. और अगर आपको इसकी डेफिनेशन बनानी हो तो आप बता सकते हैं कि वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है. जैसे इग्नियस सेडिमेंट्री में कन्वर्ट हुआ, सेडिमेंट्री इग्नियस मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हुआ. चलिए ये हमारा रॉक साइकिल हो गया. अब आ जाइए आगे की बात करते हैं. द मैग्मा फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर rises to the surface to form extrusive igneous rock. ये सब आपको पता, मैंने बता रखा है पिछले लेक्चर में. वो ज्वालामुखी का एग्जाम्पल दिया था, वोल्केनो का. ड्यू टू रेन, विंड एंड अदर नेचुरल फिनोमिना, दीज इग्नियस रॉक ब्रेक इनटू फ्रेगमेंट विच गेट डिपोजिटेड एज सेडिमेंट्स ऑन लैंड एंड बेड्स ऑफ रिवर्स ओशियंस एंड सीज. उन सब पे डिपोजिटेड हो जाते हैं और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दीज सेडिमेंट्स गेट कंप्रेस टू फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स. ये भी आपको बता दिया गया था, वो यहाँ पे रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है और कुछ नहीं. जैसे हम रिपीट टेलीकास्ट देखते हैं ना बार बार, उसी में रिपीट हो रहा है सर. ड्यू टू मेटामॉर्फिज्म, ह्यूज अमाउंट्स ऑफ हीट एंड ग्रेट प्रेशर, दीज इग्नियस सेडिमेंट रॉक्स गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मेटामॉर्फिक रॉक. तो वही है जो हमने सारी की सारी कहानी पढ़ी थी, जो हमने स्टोरी डिस्कस करी थी, वही स्टोरी यहाँ पे. अब सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक दैट आर बरीड अंडर द अर्थ, मतलब दफना दिए जाते हैं, अगेन मेल्ट, दोबारा से पिघलते हैं हीट में, फॉर्म मैग्मा ड्यू टू एक्सेसिव हीट. फिर क्या है वो, ये मेटामॉर्फिक रॉक उनको बरी कर दिया जाता है. जैसे बरी करेंगे फिर से हीट आएगी, पिघल जाएंगे, वो मैग्मा बनेगा, मैग्मा एक्सेसिव हीट में आएगा. अब दिस मैग्मा जो फिर से कूल होगा एंड क्रिस्टलाइज होगा टू फॉर्म इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स. फिर क्या होगा, इस तरीके से इंट्रूसिव इग्नियस रॉक बना देगा, तो फिर से वही सर्कल चल जाएगा. सम मैग्मा कम्स आउट ऑफ वोल्केनो, पुश डाउन एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक्स. तो अंदर तो एक बन गया, अंदर ठंडा हो गया, अंदर ही बना सब. फिर जब अंदर बन रहा होगा तो थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, तो जब बाहर निकलेगा तो एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक बन जाएगा. फिर उसके बाद वही कहानी, सारा सेडिमेंट्री बनेगा, फिर मेटामॉर्फिक बनेगा, फिर इंट्रूसिव इग्नियस बनेगा, फिर एक्सट्रूसिव बनेगा, फिर ऊपर से. इस तरीके साइकिल चल रहा है. दस द कोर्स ऑफ रॉक साइकिल कंटिन्यूस लीडिंग टू चेंजेस इन रॉक्स एंड मिनरल्स ओवर द इयर्स. इस तरीके से ये कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में. आज इस फॉर्म में, कल दूसरे फॉर्म में होगा, कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है. यहाँ पे देखिए कंटिन्यूसली हमें क्या दिख रहा है, चेंज होता हुआ दिख रहा है सारी की सारी चीजें. ठीक है, रॉक साइकिल है. यहाँ पे देखिए इग्नियस रॉक का किसमें मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो सकता है, सेडिमेंट्री भी मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो सकता है. सेडिमेंट्री रॉक जो है सेडिमेंट से ही बने, सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक हो सकता है, मेटामॉर्फिक से मैग्मा बनता है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक बनता है, इंट्रूसिव सेडिमेंट. इस तरीके से पूरा पूरा रॉक साइकिल जो चलता रहता है. ठीक है, अब ये कुछ रिकैप है जो आप देख सकते हैं. क्या है क्रस्ट, कोई चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, योर चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड, नाउ वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस, बट बिफोर दैट वी विल डिस्कस अ रिकैप ऑफ दिस चैप्टर. द क्रस्ट, मेंटल, कोर आर थ्री कॉन्सेंट्रिक लेयर्स ऑफ द अर्थ. द क्रस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, द थिक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड द थिनर ओशनिक क्रस्ट. ये हमने देख लिया था. द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट, फॉलोड बाय द मेंटल एंड इनर मोस्ट लेयर इज और बिल्कुल. Rocks and minerals form the earth crust, बिल्कुल करते हैं. जितने भी rocks हैं, minerals हैं,
वो अर्थ की क्रस्ट पे होते हैं अलग अलग फॉर्म में। रॉक्स आर फॉर्म्ड ऑफ मिनरल्स, रॉक्स जो है मिनरल्स के से फॉर्म होते हैं एंड आर ऑफ थ्री टाइप्स। रॉक्स तीन तरीके के होते हैं, मिनरल से फॉर्म होते हैं, तीन तरीके के होते हैं। इग्नियस मैग्मा से बना था, सेडिमेंट्री इग्नियस से बना और दोनों से मेटामॉर्फिक बनी है। रॉक साइकिल इज द चेंजिंग ऑफ रॉक्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर इन अ साइक्लिक मैनर। बिल्कुल, हमने रॉक साइकिल पढ़ा था। तो अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे हमारे एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी, वन बाय वन वी विल डिस्कस ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट आर द थ्री लेयर्स ऑफ द अर्थ, अर्थ की थ्री लेयर्स जो तीन लेयर्स है उनके बारे में बताना है। कौन कौन सी होती है, मैंने आपको बताया था क्रस्ट होती है, अर्थ की लेयर्स बतानी है ना, तो इंटीरियर की लेयर्स होती है क्रस्ट, फिर उसके बाद मेंटल, मेंटल के बाद कोर जो आउटर कोर इनर कोर में डिवाइडेड होती है। इस तरीके से हमारी तीन लेयर्स हो गई। अब व्हाट इज अ रॉक, ये हमें बताना है। रॉक क्या है, ये आपको रिकैप में भी दिया हुआ है। रॉक्स आर फॉर्म्ड ऑफ मिनरल्स एंड आर ऑफ थ्री टाइप्स, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। ये रॉक की डेफिनेशन आपके रिकैप में भी आ गई, ठीक है, बट फिर भी हम एक बार रॉक को फिर से देख लेते हैं। आ जाइए रॉक के पॉइंट पे, ये तो मेंटल है हमारा, एक और है, ये आ गया रॉक। यहाँ देखिए, द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रॉक, एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। ये हमारी डेफिनेशन हो गई, क्या, कि एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। कई तरीके के मिनरल मैटर होते हैं नेचुरल मास के, सारे मिलके रॉक बना देते, पत्थर बना देते। तो इस तरीके से हमारी अर्थ के क्रस्ट पे कई तरीके के रॉक्स होते हैं। हमारी डेफिनेशन हो गई, रिकैप में भी हमने ये डेफिनेशन देख ली। चलिए अब आ जाते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे, नेम थ्री टाइप्स ऑफ रॉक्स। आपको क्या बताना है, तीन तरीके के रॉक्स आपको बताने हैं। बताइए तीन तरीके के रॉक्स कौन कौन से हैं भाई, थ्री टाइप्स ऑफ रॉक्स आपको क्या करना है बताना है। फर्स्ट वन कौन सा है भाई, यहां पे देखिए इग्नियस के बाद सेडिमेंट्री के बाद कौन सा आएगा, मेटामॉर्फिक, इस तरीके से तीन रॉक्स हमने देख लिए। अब फोर्थ क्वेश्चन आ जाइए, फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं अब किस तरीके का है भाई, हाउ आर एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव रॉक्स फॉर्म, किस तरीके से एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव रॉक्स फॉर्म होते हैं, ये आपको पता है, मैंने आपको अच्छी तरह डिटेल में बताया। आप चाहें तो इसका आंसर खुद लिख सकते हैं, बट फिर भी ये मैं आपको बता देता हूं। चलिए हमें क्या बताना है, हमें बताना है इग्नियस और वो सारे रॉक के बारे में। अजय ये रॉक एक्सक्लूसिव और इंट्रूसिव के बारे में, यहाँ देखिए यहाँ पे, यहाँ से आप शुरू कीजिए और चीजें बताने की कोई जरूरत नहीं। व्हेन दिस वी रन दीजिए, यहाँ पे दिस हटा देना और लिखना, When molten lava comes on the earth's surface, it rapidly cools down and becomes solid. Rocks form such a way on the crust are called extrusive igneous rock. ठीक है, और एग्जाम्पल लिख देना basalt rock का। और intrusive में क्या लिखेंगे, कि sometimes molten magma cools down deep inside the earth. Solid rocks are formed are called intrusive igneous. एग्जाम्पल ग्रेनाइड, ठीक है, तो आपका ये दोनों का दोनों हो गया, मैंने आपको बताया भी था ये। चलिए आ जाइए फिफ्थ क्वेश्चन पढ़िए, सबके साथ फिफ्थ क्वेश्चन पढ़िए किस तरीके का है, व्हाट डू यू मीन बाय अ रॉक साइकिल। तो भाई रॉक साइकिल से आप क्या समझते हैं ये बताना है आपको, व्हाट डू यू मीन बाय अ रॉक साइकिल, आप रॉक साइकिल से क्या समझते हैं, चलिए बताइए।
मैंने बताया था वन फॉर्म से अनदर में कन्वर्ट करना होता है, तो सेडिमेंटरी यूनियस वो सब था, तो ये सब आप कर भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं आपको अच्छी तरह से पढ़ा चुका हूँ, बट फिर भी जस्ट फॉर योर कन्फर्मेशन मैं दोबारा से इसको बता देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक आपका रॉक साइकिल आप लिख सकते हैं। हमसे पूछा गया है सिर्फ डेफिनेशन पूछिए क्या, व्हाट डू यू मीन बाय रॉक साइकिल, तो मतलब सिर्फ एक डेफिनेशन पूछिए, डेफिनेशन बता दीजिए, ये सारी की सारी कहानी बताने की जरूरत नहीं है। ज्यादा बड़ा पूछते तो आप चाहें तो इग्नियस से सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री से मोटा मॉर्फस आप बता सकते, रॉक साइकिल चलता रहता है, साइकिल भी बना सकते, एक डायग्राम बना के इसे स्पष्ट करा सकते, इसे एक्सप्लेन कर सकते। अब व्हाट मतलब इसको क्या कर सकते हैं आप, एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये डायग्राम बना। सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द यूजेस ऑफ रॉक्स, रॉक्स के क्या क्या यूजेस है वो आपको बताना। तो रॉक्स के यूजेस मैं आपको बता चुका हूँ, बट फिर भी हम एक बार देख लेते हैं रॉक्स के क्या क्या यूजेस है। आ जाइए रॉक्स पे, ये रहे हमारे रॉक्स, हमें क्या बताना है रॉक्स के क्या क्या यूजेस है। तो हमने ये तो देख लिया था ये सारी चीजें, प्राइमरी रॉक्स वगैरह, तो हमें क्या दिखाना है कि वे रॉक्स के क्या क्या यूजेस है। ये देखिए सबसे पहले हमने क्या देखा था इग्नियस रॉक्स में कि ग्रिंडिंग स्टोन्स यूज टू प्रिपेयर फाइस्ट पाउडर ऑफ स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड अप ऑफ ग्रेनाइट, ये हमने देखा था ठीक है। और सेडिमेंट्री रॉक्स में भी हमने एग्जांपल देखे थे सैंड स्टोन का, तो दीज रॉक्स आर मे ऑल्सो कंटेन फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स एनिमल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इस तरीके की चीजें हमने देखी थी ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में भी हमने देखा था, स्मॉल क्रिस्टल्स होते हैं लार्ज क्रिस्टल्स में बदल जाते हैं वो सब हमने देखा था, मेन एग्जांपल्स भी देख लिए थे इनके, ये एग्जांपल्स हैं इनके मेन। फिर हमने यहाँ पे क्या देखा था, हमने देखा था रॉक्स के यूजेस, रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू, देखिए यहाँ पे हार्ड रॉक्स आर यूज फॉर मेकिंग रोड, ये सब फॉर एग्जाम्पल, ये सारे के सारे गेम वगैरह आपको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ तक ही ठीक है। विच सर्टेन प्रॉपर्टीज कंपोजिशन मिनरल्स आर इम्पोर्टेंट टू वन का, मिनरल्स के बारे में नहीं तो रॉक के बारे में बताओ, यहाँ से लेकर यहाँ तक की हमारे लिए काफी, यू कैन राइट एग्जाम्पल इफ यू वांट। चलिए हमारे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट आर द मेटामॉर्फिक रॉक, इट इज एन इजीएस्ट क्वेश्चन बिकॉज यू नो इट्स आंसर वेरी वेल। सो व्हाट इज मेटामॉर्फिक, आ जाइए मेटामॉर्फिक रॉक पे, रॉक्स में आगे ये देखिए यहां से आपका शुरू हो जाएगा। मेटामॉर्फिक रॉक्स आर एक्चुअली इग्नियस और सेडिमेंटरी रॉक व्हिच हैव बीन चेंज्ड ड्यू टू एक्सेसिव हीट एंड प्रेशर इनसाइड द अर्थ, स्मॉल क्रिस्टल्स कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म लार्ज क्रिस्टल्स, वेरियस मिनरल्स कंबाइन टू फॉर्म न्यू मिनरल्स, द रॉक्स दस ट्रांसफॉर्म्ड आर कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक, टेक हंड्रेड्स ऑफ इयर्स, बनने में इनको बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इनके एग्जाम्पल लिख देना मार्बल स्लेट जेनेसिस क्वाड्रिसाइट जो इन सबसे बनते हैं ठीक है। चलिए ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया, अब हमें हमारा बी बताना है, बी क्या है करेक्ट आंसर बताओ, क्या बताओ करेक्ट आंसर बताओ, द रॉक विच इज मेड अप ऑफ मोल्टन मैग्मा इज व्हाट, ये आपको बताना। चलिए बताइए द रॉक विच इज मेड अप ऑफ मोल्टन मैग्मा वो क्या होता है, ये आपको बताइए। मोल्टन मैग्मा से बना हुआ रॉक किस तरीके का, मैंने आपको बताया था मैग्मा से बना हुआ रॉक क्या होता है इग्नियस होता है, तो आंसर हो गया इग्नियस, सेडिमेंटरी तो इग्नियस से ही बनता है ना, मेटामॉर्फिक भी सेडिमेंटरी या इग्नियस से बनता है, हमारा आंसर क्या हो गया मोल्टन मैग्मा से बनने वाला रॉक इग्नियस रॉक। चलिए सेकंड क्वेश्चन, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज व्हाट, ये बताना है सबसे ज्यादा इनर मोस्ट लेयर कौन सी है, तो क्रस्ट है नहीं वो तो टॉप है ऊपर मोस्ट, और वो हो सकती है मेंटल मिडिल कोर, हमारा आंसर हो गया ठीक है। तो इस तरीके से आप आंसर दे सकते हैं आपके क्वेश्चन आंसर अकॉर्डिंग टू योर स्टडी अबाउट द चैप्टर। नाउ थर्ड क्वेश्चन, गोल्ड पेट्रोलियम एंड कोल आर एग्जांपल्स ऑफ, ये आपको बताना है गोल्ड पेट्रोलियम एंड कोल ये किसके एग्जांपल्स है, रॉक्स के है मिनरल्स के है या फिर फॉसिल्स के हैं। रॉक्स के अपने हमने यहाँ पे रॉक्स में देखे थे, रॉक्स में तो नहीं देखे,
अब मिनरल्स में देखे थे क्या? चलिए देख लेते हैं, मिनरल्स में देखे थे नहीं देखे थे? यहाँ पे आ जाइए, ये तो रॉक्स है, मिनरल्स हमने देखे थे नहीं देखे थे? यहाँ देखिए मिनरल्स, ये देखिए मिनरल्स की एग्जांपल कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ये सब मिनरल्स में ही है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो गया मिनरल्स। चलिए हमारा आंसर हो चुका है। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए, सब देखिए फोर्थ क्वेश्चन को अच्छी तरह से। रॉक्स विच कंटेन फॉसिल्स आर कॉल्ड व्हाट? ये आपको बताना है कि जो फॉसिल्स को कंटेन करते हैं वो कौन से रॉक, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक या इग्नियस? चलिए देख लेते हैं, जो फॉसिल्स को कंटेन करते हैं वो क्या मेटामॉर्फिक होते हैं? चलिए आ जाइए, ये हमारे मेटामॉर्फिक, ये फॉसिल्स को कंटेन कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे। अब यहां पे सेडिमेंट्री को देखिए, सेडिमेंट्री में दिख रहा है दीज रॉक्स में आल्सो कंटेन फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट वंस लिव्ड ऑन देम। और आंसर क्या हो गया? सेडिमेंट्री रॉक। तो आपके सारे आंसर आपकी बुक में मिल जाएंगे आपको, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, जस्ट रीड द बुक परफेक्टली। चलिए अब हम क्या देखते हैं, अब हम आगे की चीजें देखेंगे। सी मैच द फॉलोइंग, अब हमें क्या करना है, कुछ मैच करना है फॉलोइंग को। आ जाइए फर्स्ट क्वेश्चन, कोर। कोर क्या होता है भाई? अर्थ का सरफेस यूज फॉर रोड द बिल्डिंग मेड अप ऑफ सिलिकॉन एंड एल्यूमिना। सीएल, सीएल का बना होता है क्या? मुझे तो नहीं पता। हैज डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। मिनरल्स का आ जाइए, ये आपको बताना होगा मिनरल्स का क्या हो सकता है। अर्थ का सरफेस यूज फॉर रोड एंड बिल्डिंग्स मेड ऑफ सिलिकॉन एंड एल्यूमिना, आप बताइए। थर्ड, रॉक्स अर्थ के सरफेस पे होते हैं। फोर्थ, क्ले। क्ले कहां पे होता है भाई? क्ले किसका बना होता है? यूज फॉर रोड एंड बिल्डिंग्स। तो रॉक्स कहां पे होते हैं ये बताइए पहले। रॉक्स होते हैं अर्थ के सरफेस। ये हमारा यहां पे हो गया पहला मिलान। सेकंड, यहां पे देखिए क्ले हैज डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन मेड अप ऑफ सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, ठीक है, सियाल है। अब सियाल मैंने आपको बताया था, सियाल किससे बना होता है अभी? सियाल बनता है किससे? क्रस्ट, क्रस्ट से होता है सियाल से। क्योंकि कोर किससे मिलके बना होता है? यहां पे देखिए कोर आपको यहां पे दिखेगा, यहां देखिए कोर। कोर तो निकल और फेरस से मिलके बनता है, हाई टेम्परेचर प्रेशर में ये सभी चीजें होती है, मोस्ट आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा? मेड अप ऑफ सिलिकॉन हैज डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन मिनरल्स। यहां पे आ जाइए मिनरल को देखते हैं, डिफिकल्ट केमिकल कंपोजिशन होती है कि मिनरल्स? यहां देखिए सर्टन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। तो हमारा आंसर क्या हो गया इसका? मिनरल का, मिनरल का हो गया हैज डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। चलिए अब यहां पे क्या है, क्ले और कोर के बारे में दिया हुआ है। एक तो है यूज फॉर रोड्स एंड बिल्डिंग, यूज फॉर रोड्स एंड बिल्डिंग्स क्या होगा? क्ले ही होगा क्योंकि मिट्टी से ही करेंगे। और कोर हमारा फिर क्या हो जाएगा? मेड अप ऑफ सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम, जो सियाल होता है। ये मेरे हिसाब से गलत यहां पे लिखा हुआ है, ना कोर नहीं आएगा, यहां पे आएगा क्रस्ट, क्योंकि क्रस्ट होता है जो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से मिलकर बना होता है। मैंने आपको बताया भी था, यहां पे आ जाइए अगर आपको यकीन नहीं होगा, क्योंकि कोर तो हमने देखा था। कोर किससे मिलकर बना होता है? निकल और फेरस से मिलकर बना होता है। और जो हमारा ये क्रस्ट है वो किससे बना होता है वो देखिए यहां पे। जो हमारा क्रस्ट है वो किससे मिलकर बना होता है? तो शुरुआत में हमने देख लिया था, यहां देखिए क्रस्ट ये है, देखिए द मेन मिनरल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द कंटेंट ऑफ मास आर सिलिका एंड एल्यूमिना, इट इज द सियाल, द ओशनिक क्रस्ट वो सिलिका और मैग्नीशियम। तो सियाल जो है किसका भी? कॉन्टिनेंटल मास। तो इस वजह से हमारा आंसर यहाँ पे क्रस्ट का होगा। तो यहाँ पे क्रस्ट कर लीजिएगा, यहाँ कोर नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट। अच्छा तो यहाँ पे हमने एक चीज मिस कर दी, क्या मिस किया? कि यहाँ पे क्रस्ट हमने सोचा कि सिर्फ चार ही थे, बट ये पांचवा भी है। तो इस वजह से यहाँ पे आप थोड़ा सा सचेत हो जाइए,
यहां पे देखिए सियाल, सियाल का क्या होगा, सियाल का होगा ये, सियाल का हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अब इसको एक बार हम क्या करते हैं हटा देते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, इसको हटा देते हैं, चलिए आ जाइए इसको हटा देते हैं। अब यहां पे देखिए हमने अभी तक जो पढ़ा है उसको यहां पे देखिए, सियाल का क्या आएगा पांच का ये, तो ये हमारा पांचवें नंबर का हो गया। नंबर वाइज कर देता हूं मैं अब आपको, मैंने आपको बताया था रॉक्स अर्थ के सरफेस पे होते हैं, मिनरल्स इस पे होते हैं, डेफिनेट कंपोजिशन, रॉक्स जो है तीन नंबर पे ये हो गया, मिनरल्स ये दो नंबर का हो गया, और फिर यहाँ पे सियाल भी हमने देख लिया। अब यहाँ पे कोर बताना है, यहाँ पे देखिए चेंजेस इनटू स्लेट इनर मोस्ट लेयर, तो कोर का क्या हो गया ई, तो ई का वन हो गया, ई का क्या हो गया भाई ई का वन हो गया। अब चेंजेस इनटू स्लेट, तो क्ले चेंज करता है स्लेट में, तो कोर का क्या हो गया भाई कोर का हो गया ये। अब प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक, चार दो एक दो तीन चार पांच, तो पांचों हो गए हमारे इस तरीके से। तो हमने पहले ये सीआर यहाँ पे नहीं देखा था, इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। चलिए आ जाइए डी क्वेश्चन पे, क्या आ जाइए भाई डी क्वेश्चन भी कर लेते हैं। गिव रीजंस, क्या बताने कारण बताने। फर्स्ट, वी कैन नॉट गो टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, यस वी कैन नॉट गो राइट, बट व्हाई, बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल, 6000 किलोमीटर के गड्ढे खोदने पड़ेंगे तो बहुत ज्यादा कठिन होगा। सेकेंड, सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम सेडिमेंट्स एंड लाइमस्टोन इज चेंज इंटू मार्बल, ये आपको बता रहे हैं, ये थर्ड है, तो आपको रीजन देना, ये मेटाफोरिक वाला है, तो आप ये बता सकते हैं दोनों के दोनों रीजन, ये आपका क्या हो गया होमवर्क का हो गया। अब ये फॉर फन है, जो आप करना चाहे तो कर सकते हैं, इट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम। अब कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो हमें करनी है, आ जाइए, इनमें से कुछ मैं आपको बताऊंगा, कुछ आपको क्या करनी है होमवर्क में करनी होगी। चलिए, द सॉलिड थिन आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड वॉट, ये आपको बताइए पहले आप, फिर मैं बताता हूँ, सबने बता दिया। चलिए, द सॉलिड थिन, एक तो सॉलिड होना चाहिए, एक थिन आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड इट्स क्रस्ट, क्या होगा क्रस्ट, कोर मेंटल तो हो नहीं सकता, मिडिल है ये, इनर है, द मिडिल लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड, ये होगा हमारा द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ, इस तरीके से बनता है रॉक से मिलकर बना होता है अर्थ का क्रस्ट। फोर्थ, द डेकन प्लेट इज मेड अप ऑफ सैंडस्टोन बसाल्ट रॉक्स या फिर ग्रेनाइट, तो बसाल्ट रॉक से मिलकर बना होता है, ये हमने देखा था, बसाल्ट से मिलकर बना होता है, सैंडस्टोन से मिलकर बना होता है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, तो एक बार हम कंफर्म कर लेते हैं, आ जाइए, कंफर्मेशन जरूरी है। डेकन प्लेट्यू के बारे में हम बात कर रहे हैं, देखिए डेकन प्लेट्यू मेड अप ऑफ बसाल्ट रॉक, तो हमारा बसाल्ट रॉक एकदम सही आंसर, ठीक है, चलिए ये हमारा आंसर हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन, रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट ह्यूज मिनरल्स और प्लांट्स, तो रॉक्स किससे मिलकर बने होते हैं भाई, आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स से मिलकर बने, ये हमने अभी देखा था। सिक्स, द हैज वेरी टेम्परेचर एंड प्रेशर, मेंटल सेंट्रल कोर और कस्ट, इसके पास बहुत ज्यादा टेम्परेचर प्रेशर होता है, तो कोर में होता है, कोर में होता है ना, हाई टेम्परेचर और प्रेशर कहां पे होगा, कोर में होगा, क्रस्ट में थोड़ी होगा, मेंटल में थोड़ी होगा, सबसे ज्यादा कोर में होगा। अगर आपको कोई दिक्कत है तो मैं आपको बता देता हूं, आ जाइए कोर में, ये आ गया कोर, सेंट्रल कोर हैज वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, चलिए हमारा आंसर हो गया। अब ये बाकी के जो क्वेश्चंस है ना, ये आपको कहाँ पे करने, ये सब आपको होमवर्क में करने, ये जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, ये क्या करने हैं आपको, ये सब आपको होमवर्क में करने, ठीक है, आपने जो चैप्टर पढ़ा है वो बड़ी आसानी से ये हो जाएगी। तो चलिए, ये हमारे चैप्टर कंप्लीट हो गया, ये सब आपको किस में करना है, ये सब आपको होमवर्क में करना है, ठीक है, इन सब में से मैं आपको ये मिलान करा देता हूँ, बाकी चीजें आपको क्या करनी है होमवर्क में करनी होगी। फर्स्ट, सियाल, सियाल किस में होगा भाई, सियाल सिलिका एंड एलुमिना जो हमने देखा था, सैंड स्टोन इज मेड ऑफ अर्थ इज कॉल्ड द मेंटल ऑफ रॉक्स फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड, तो क्या होगा फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड, देयर थ्री मेजर टाइप्स
अर्थ इज कॉल्ड द मेंटल। थ्री मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स होते हैं, अभी हमने देखा था। रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस। द मिडिल लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड मेंटल। तो ये हमारा हो गया, और इस तरीके से हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये जो बाकी मैंने आपको बताया अब तक, वो आप होमवर्क में करने। हम नेक्स्ट चैप्टर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।